अब जो नेक्स्ट टॉपिक है कि साइज ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड। अब ये जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड का साइज कितना होना चाहिए, तो साइज जो है बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इससे कॉस्ट बढ़ जाएगा, और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए कि हम जिस पर्पज के लिए उसको लगाए वो फुलफिल ना हो, यानी सेफ्टी प्रोटेक्शन ना हो रहा है। तो इसलिए साइज जो है आइडियल जो है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जीआई का अगर है या फिर कॉपर का है उसके ऊपर वो साइज डिपेंड करता है, या फिर तुम्हारा प्लेट है या फिर पाइप है। तो कॉपर या गल्वेनाइज आयरन कैन बी यूज फॉर अर्थिंग इलेक्ट्रोड। द साइज ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड इन केस ऑफ कॉपर तो 2x2 फीट वाइड एंड 2 फीट लेंथ और 1x8 इंच उसका थिकनेस होना चाहिए। तो उसको अगर एमएम में देखें तो 600x600x3 mm, 600 mm और 3 mm का उसका थिकनेस होना चाहिए। अगर वो जीआई का है तो 600x600x6 mm का होना चाहिए। तो जीआई है इसलिए उसको सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी थोड़ा ज्यादा है, इसलिए सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए 600x600x6 mm का साइज होना चाहिए अगर जीआई का है तो। अब अगर वो प्लेट अर्थिंग है तो वो डायमेंशन है, ठीक है। तो प्लेट जो है वो जनरली कॉपर का यूज किया जाता है और उसको जो है जमीन के अंदर कम से कम 10 फीट तक उसको जमीन ग्राउंड लेवल से 10 फीट तक उसको बरीड करना चाहिए, जमीन के अंदर गाड़ना चाहिए, तभी वो प्रॉपरली मॉइस्ट होकर रहेगा और रेजिस्टेंस जो है उसका रेंज में रहेगा, मिनिमम रहेगा। फॉर प्रॉपर अर्थिंग सिस्टम मेंटेन द मॉइस्चर कंडीशन अराउंड द अर्थ इलेक्ट्रोड और अर्थ। तो प्रॉपरली अर्थ मेंटेन करने के लिए मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, सॉल्ट और चारकोल वगैरह देके उसको, है ना। तो इस प्रकार से तो प्लेट अर्थिंग को तो देख सकते हैं, ये है उसका फिगर है जिसमें ये है चेंबर, ये चेंबर दिख रहा है, ये फनेल है, यहाँ पे कवर है चेंबर कवर, और चेंबर कवर खोल के यहाँ से पानी डाल के फनेल के थ्रू ये प्लेट तक पानी जाएगा, जिससे कि सराउंडिंग में मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, मॉइस्ट रहेगा, और यहाँ पे जो है तुम्हारा चारकोल और सॉल्ट जो है वो उसका लेयर डाला हुआ है गड्ढे में, और इसको बोलेंगे अर्थ लेड, है ना। तो यहां से हम लोग टर्मिनल बाहर कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार से ये प्लेट अर्थिंग का फिगर है। अब सेकंड जो है हम लोग देखेंगे पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग भी सेम पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो गैल्वेनाइज जनरली जो है पाइप अर्थिंग गैल्वेनाइज पाइप का यूज किया जाता है और उसको प्रॉपरली सही साइज का लेंथ और डायमीटर का वो पाइप होना चाहिए। उसका जो डायमेंशन देखे है पाइप इज डायमेंशन ऑफ पाइप इज यूजुअली 40 mm, दैट इज 1.5 इंच, 1.5 इंच का पाइप होना चाहिए उसका डायमीटर, और 2.75 इन लेंथ यानी करीब 3 फीट मीटर का जो है उसका लेंथ होना चाहिए। और अगर वो रॉकी या फिर ड्राई सॉइल एरिया है तो वो उसका लेंथ और भी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वो मॉइस्ट प्रॉपरली मॉइस्ट नहीं होगा। और मॉइस्चर ऑफ द सॉइल विद डिटरमाइन द लेंथ ऑफ पाइप बरीड यूजुअली 4.75, तो 15 फीट 4.75 तक उसको जमीन लेवल से बरीड करना है, जब गाड़ना है। और उसका फिगर भी देख सकते हैं, पाइप अर्थिंग है। पाइप अर्थिंग में क्या है कि थोड़े थोड़े ड्यूरेशन पाइप में कुछ कुछ ड्यूरेशन के बाद उसको होल किया हुआ है, जिससे कि अगर ये फनल से पानी डाले तो वो होल से सराउंडिंग जो सॉइल है वो प्रॉपरली मॉइस्ट हो, गीला हो सके, इस प्रकार से। अब उसके बाद तीसरा जो टाइप का रहता है रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग जो है वो कॉपर का रॉड रहता है 12.5 mm का, आधा इंच का या डायमीटर रहता है, या फिर 60 mm डायमीटर ऑफ गैल्वेनाइज। अगर कॉपर का है तो 12.5 और गैल्वेनाइज का है तो 16 mm का डायमीटर का, और उसका जो लेंथ जो है 2.5 मीटर, है ना। हॉलो सेक्शन 25 mm ऑफ जीआई पाइप ऑफ लेंथ वो 2.5 मीटर और बरीड अपराइट, यानी अपराइट मीन्स खड़े में उसको गाड़ना है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेटिक हैमर से, हथौड़े से उसको गाड़ना है। और लेंथ ऑफ एम्बेडेड इलेक्ट्रोड्स इन द सॉइल रिड्यूस अर्थ रेजिस्टेंस, तो जितना वो अंदर इलेक्ट्रोड जाएगा उतना रेजिस्टेंस उसका रिड्यूस होते जाएगा, कम होते जाएगा, और कितना अपने को डिजायर्ड रेजिस्टेंस मेंटेन करना है उतना उसको गाड़ने का है।
जैसे अपने को डिजायर्ड रेजिस्टेंस मिल जाए उसको उस लेवल तक रख देना है। इस प्रकार से देख सकते हैं ये रॉड इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो वो यहाँ पे देख सकते हैं डावेल, इसको एक्सटेंशन करने के लिए अगर पाइप को और बड़ा करना है तो इस रॉड को अगर बड़ा करना है तो इस प्रकार से डावेल लगा लगा के उसको एक्सटेंड किया जाता है। और लास्ट में यह ड्राइविंग कैप फायर को उसको कैप के थ्रू एंड क्लोज किया जाता है। तो देखिए हमने और किस प्रकार से इस किस मेथड से इसको इंस्टॉलेशन करना चाहिए। तो जैसे ही पहले बोला गया है कि 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का उसका खड्डा खोदना है, उसके अंदर फिर कॉपर प्लेट देना है वर्टिकल पोजीशन में, और अर्थ लीड जो है उसको टाइटली नट बोल्ट के थ्रू उसको एक साथ कनेक्ट करना है। टू प्लेस पे अर्थ प्लेट के दो जगह पे टाइटली उसको कनेक्ट करना है, और ज्वाइंट क्रोजन ना हो, किसी प्रकार से जंग ना लगे उसके ऊपर, कार्बन ना चढ़े, इसलिए उस ज्वाइंट पे नट बोल्ट जहां पर लगाए वहां पे ग्रीस लगा के रखना है। बाद में सभी वायर ऑफ मेटेलिक पाइप फ्रॉम द अर्थ इलेक्ट्रोड मेक श्योर द पाइप इज ऑन फिट अबाउट द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड। तो 1 फुट ऊपर ग्राउंड का होना चाहिए जो पाइप है। इस प्रकार से टू मेंटेन द मॉइस्चर कंटेंट अराउंड द अर्थ प्लेट, लेयर ऑफ पाउडर चारकोल एंड सॉइल, जो पहले ही बोला गया है कि जो अर्थ प्लेट है वहां पे लेयर ऑफ चारकोल यानी 15 सेंटीमीटर का ऐसे लेयर अल्टरनेट लेयर ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट इस प्रकार से डाला जाता है, जिससे कि वो मॉइस्चर मेंटेन कर सके, मॉइस्ट रह सके। और जो है टिम्बल एंड नट बोल्ट यूज टू कनेक्ट टाइटली वायर टू द बेड प्लेट ऑफ द मशीन, फिर एक टिम्बल और नट बोल्ट उसको कनेक्ट करने के लिए, जिससे कि वो अच्छे से कनेक्ट हो सके और दो डिफरेंट प्लेस पे। और उसके बाद फिर अर्थ कंटिन्यूटी टेस्टर से वो चेक करना है कि भाई वो कंटिन्यूशन है कि नहीं, उसका रेजिस्टेंस प्रॉपर है कि नहीं, इस प्रकार से। और जैसे बोला गया है कि इफ इट इज मोर देन 1 ओम, 1 ओम से अगर ज्यादा होता है तो साइज ऑफ द अर्थ लीड वो बढ़ा देना पड़ेगा, या फिर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का साइज जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, और टाइम टू टाइम उसको पानी डालना है जिससे कि अपना रेजिस्टेंस जो है वो मेंटेन होकर रहे, उससे रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक अर्थिंग सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस किया है, बहुत ही काफी टाइम लग गया है। तो उम्मीद करता हूँ लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करो। धन्यवाद।